पढ़ो रीड करो. द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बट नाउ यू हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द वेरी इनफॉर्म्ड डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट जो आपने पहले पढ़ ली है. इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, टू द इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लिमिट. एट दिस पॉइंट यू शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव सेंस ऑफ वेयर द लिमिट ऑफ ए फंक्शन मीन्स, और इसका फंक्शन का मीनिंग क्या है, एंड हाउ यू कैन फाइंड इट. इन दिस सेक्शन वी कन्वर्ट दिस इंट्यूटिव आइडिया of a limit into a formal definition using precise mathematical language. The formal definition of a limit is quite possibly one of the most challenging definition you will encounter early in your study of calculus. However, it is well worth an any effort you make it reconcile it with your intuitive notion of a limit. तो आपने वो पढ़ लिया तो इसको भी देख लो, है ना. Quantify closeness. Before stating the formal definition of a limit, we must introduce a few preliminary ideas. Recall that the distance between two points A and B on a number line is given by A minus B. दो पॉइंट है मेरे को, एक A और एक B है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? Mod A minus B. क्यों लिया mod? पॉजिटिव है. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती. यही बोला हमने. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट एफ एक्स माइनस एल, फंक्शन में से आपने क्या माइनस किया? एल माइनस किया, वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, नॉट नहीं है यहाँ. May be interpreted as the distance between fx and l. fx और l के बीच की distance क्या है? वो less than है e से. e से l क्या है? l एक limit है, function की limit होगी, वो आगे proof होगा. आगे मैं बताऊँगा l क्या है, l यहाँ आएगा देखो, ठीक है. The statement x minus a जो है वो zero से delta के बीच में है. May be interpreted as the distance between fx and l is less than epsilon. कि ये भी हमें पता लग गया कि fx और l की जो difference है वो क्या है, वो क्या है? एप्सिलॉन से लेस है. और x माइनस a जो है वो किसके बीच में? जीरो और डेल्टा के बीच में. द स्टेटमेंट fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट l माइनस एप्सिलॉन जो है l प्लस एप्सिलॉन fx जो है इन दोनों के बीच में fx. मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तब समझ आएगा. द स्टेटमेंट x माइनस a जीरो से डेल्टा के बीच में इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट x जो है a माइनस डेल्टा से बड़ा है और a प्लस डेल्टा से छोटा है. अच्छा, आगे ये क्या कह रहा है? आगे इसके बाद एप्सिलॉन आगे पढ़ो भी, क्या है ये डेफिनेशन है. लेट एफ एक्स बी डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए ओवर एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, लेट एल बी ए रियल वैल्यू, देन लिमिट जो होगी एफ एक्स की ए के ऊपर वो क्या होगी? एल होगी, है ना. और एप्सिलॉन जो है वो जीरो से बड़ा है और डेल्टा भी क्या है? ग्रेटर देन जीरो है. और एक्स माइनस वन ए का होल मॉड जो है वो जीरो डेल्टा के बीच में, और एफ एक्स माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन से लेस है. तो ये बहुत ही टफ डेफिनेशन है, इसको कह सकते हो कि लोगों को आज तक समझ नहीं आई, और लेकिन अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार. बस ये डेफिनेशन समझ लो तो ज्यादा बेटर है, रिसर्च वगैरह में काम आती है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है. ग्राफ से समझा देते हैं आपको. देखो एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है. डेफिनेशन तो पढ़ी ली आपने. yes, चलो कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस कौन सी? एक्स एक्सिस है ना. चलो ये जो ग्राफ है वो फंक्शन का है क्या? नहीं, एफ एक्स है कि नहीं है? हाँ, ये एफ एक्स है. ये एफ एक्स है, यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं ए. कौन है बेटा? ए पॉइंट. ये तो ए के ऊपर, ऐसे ए के ऊपर वैल्यू आएगी ना कोई? ये ए के ऊपर वैल्यू है एल. फंक्शन की ए के ऊपर वैल्यू क्या है? एल. आपको समझ आ रहा है? yes. ए के ऊपर वैल्यू क्या है? एल है. ए के ऊपर वैल्यू एल है, ठीक है, दिख रहा है? वेरी नाइस. ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एल है. अब आपसे वो कह रहा है कि आपने ए के ऊपर एल वैल्यू निकाली, ए से जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड चले जाओ और ए से जस्ट क्लोज थोड़ा राइट साइड चले जाओ. ए से जस्ट आप थोड़ा लेफ्ट साइड जाओगे, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, उसको बोलेंगे ए माइनस डेल्टा, और इधर एक पॉइंट होगा. बताओ ये कितनी डिस्टेंस चला? डेल्टा. वेरी गुड. कितनी डिस्टेंस? डेल्टा. और डेल्टा कैसा है? पॉजिटिव है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा इधर आया, हाँ जी यही है. चलो a माइनस डेल्टा आया, तो अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी यहाँ पे? a माइनस डेल्टा पे l माइनस डेल्टा. हाँ जी. और उस पे l प्लस डेल्टा, ऐसा कुछ किसके ऊपर? हाँ जी बताइए. a माइनस डेल्टा मुझे कॉल लगा था. देखो सर, a माइनस डेल्टा के ऊपर आप यहाँ से चेक करो, ये रहो भाई आपका a माइनस डेल्टा, ऐसे ऐसे ए माइनस डेल्टा के ऊपर वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी भाई. yes, F A minus delta. और ऐसे ही इधर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, F A minus delta. और यहाँ ही ऐसे ही A plus delta के ऊपर वैल्यू होगी, ऐसे यहाँ भी होगी, दो वैल्यूज होंगी. yes, चलो ये वाली वैल्यूज बतानी है और ये वाली वैल्यू बतानी है, क्या होंगी बता दो मैं?
मैं बताता हूं कि ये इधर चेंज करेगा एप्साइलन और इधर भी कितना चेंज करेगा एप्साइलन. तो आप मुझे बता दो ये पॉइंट क्या होगा अगर ये एल है. एल प्लस एप्साइलन. बिल्कुल सही बोला आपने. एल माइनस एप्साइलन होगा. एल माइनस एप्साइलन. कोई डाउट? नो सर. बताओ ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? एप्साइलन. डेल्टा. हाँ. और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा. ये वाली डिस्टेंस कितनी है? एप्साइलन. और ये वाली कितनी है? एप्साइलन. कुछ समझ आ रहा है? यस सर. समझ आ रहा है? कुछ तो माइंड में जा रहा होगा अभी. ठीक yes. है. वेरी गुड. यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. yes. अगला ग्राफ बनाऊंगा. हाँ. ये सारी डिस्टेंसेस आपको समझ आ गई. yes. अगला ग्राफ मतलब यही ग्राफ दोबारा बनना है उसमें क्या है. ठीक है. आपने इस ग्राफ को देखा. अगर मैं इसी डेल्टा को थोड़ा और क्लोज लेके जाऊंगा थोड़ा और फिर क्लोज लेके जाऊंगा फिर और क्लोज लेके जाऊंगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? जब आप थोड़ा और क्लोज तो घटेगी. बिल्कुल सही बोला आपने. तो डेल्टा जैसे ही मैं क्लोज लेता जाऊंगा मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? स्मॉल होती चली जाएगी. ऐसे ही है ना भाई? तो वहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो. एप्सिलॉन जब बहुत ही स्मॉल होगा अगर मुझसे कोई पूछेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 1 की लिमिट क्या है? आपने बोल तो दिया 3 लेकिन आपने निकाली कैसे? पुट करके. एप्सिलॉन को क्या ले लो? ग्रेटर देन 0 जो डिस्टेंसेस है. ठीक है. उसके आसपास पूछ रहा है तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? एप्सिलॉन आप किसकी वैल्यू ले रहे हो? वाई की ले रहे हो एक हिसाब से. तो डेल्टा क्या आएगा आपका? डेल्टा को कुछ ले लो छोटा सा स्मॉलर सा कुछ एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन का आधा हिस्सा ले लो. okay. क्या प्रॉब्लम है? ले सकते हैं ना एप्सिलॉन का हाफ. तो अब वैल्यू पुट करो उसमें क्या आएगी भाई बोलो. एप्सिलॉन प्लस 1. अच्छा मैं ग्राफ बनाता हूं उसका. ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस. ये कौन सी है? एक्स एक्सिस. ये 2x प्लस 1 का ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा ना भाई. जीरो से पास करेगा नहीं करेगा भाई? ऐसे करेगा. जीरो से क्या पास करेगा? जीरो पर तो वैल्यू 1 होगी ना उसकी. अच्छा वैसे इसका कोई यूज नहीं है ज्यादा. मतलब आपको वही समझा रहा है तो वही बहुत है ना. इसको बस करा देता हूँ मैं है ना. लेकिन ये भी नहीं कि कुछ छोड़ा है हमने. करा के सब छोड़ूंगा आपको. वन वन के ऊपर वैल्यू क्या है? वन के ऊपर वैल्यू क्या आएगी इसकी? 3. हाँ 3 आएगी. शाबाश. ठीक है. वन पे वैल्यू क्या आ रही है? 3. वन से थोड़ा सा कोई ग्रेटर नंबर लूंगा मैं. 2. ग्रेटर मीन्स थोड़ा सा ग्रेटर. आप तो ज्यादा ही. 1.1 मतलब स्मॉलेस्ट यानी कि 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2. और इधर भी क्या होगा? 1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2. डेल्टा ऐड करते हैं ना हम लोग इधर. डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या ले ली? एप्सिलॉन बाय 2. तो मुझे ये चेक करना है कि ये कितना इंक्रीज करेगा. तो यहां से ये ग्राफ है ना यही है. ये आएगा यहाँ पे 3 प्लस बोलो एप्सिलॉन बाय 2. तो ये क्या आएगा? डेल्टा. नहीं आपने एप्सिलॉन बाय 2 लिया ना तो 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस एप्सिलॉन क्या है? जो 2x प्लस 1 के इक्वल है. इसी के इक्वल है ना. तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? इसको उधर भेज दो जरा निकालो. 2x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन. यही आएगा. तो x इक्वल टू आ जाएगा बोलो 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2. हाँ जी यही आएगा पूरे के दोनों क्या है ना ऐसे. हाँ ये x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू. अच्छा अब दूसरे वाले के लिए क्या आएगी? 1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 पूरे के आएगा. ठीक है. ऐसे अब ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो. x की जो भी आई है आपका आंसर आ जाएगा. पॉइंट क्लियर है? ये वाली वैल्यू पुट करो जरा इसमें क्या आएगी? 2 इनटू बोलो 1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस 1 प्लस 1. ये 2 2 कैसे हो जाएंगे? 1 प्लस एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन प्लस 2. हां 2 प्लस एप्सिलॉन यानी कि एक हिसाब से 2 में क्या ऐड हो रहा है? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन ऐड हो रहा है यानी कि वही नंबर जो आप लिमिट निकाल रहे हो वो इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही ऐड हो रहा है. यानी कि अगर आप एग्जैक्टली इसमें 1 भी पुट कर दोगे 1 के आसपास जो ले रहे हो वो भी वैल्यू उसके जैसी ही आ रही है. तो आप ऐसा करो 1 ही पुट कर दो आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3. तो ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं. 3 आएगा बस. आपने फालतू इसमें क्या सोचना है? ठीक है भाई सिंपल सा आपने ये कर लेना है. ठीक है. अच्छा अब मैं लिमिट की डेफिनेशन होगी भी इससे ज्यादा मैं नहीं कराने वाला भी उसमें. मैं बात करूंगा डेरिवेटिव की. क्या डेरिवेटिव? चलो भाई डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए ग्राफ. डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में रिलेशन किसने फाइंड किया था? लेबनीज और न्यूटन ने. इन दोनों ने ही इसके ऊपर काम किया था. ठीक है. लेबनीज और न्यूटन. ठीक है. देखो उन्होंने क्या काम किया था बच्चे इसके ऊपर. देखो लेबनीज ने क्या बोला था जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ को. दिख रहा है आपको कोई ग्राफ? यहां दिखाता हूं मैं अभी आपको. ये हाँ जी दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट कार कौन सी? स्पोर्ट्स कार. कोई भी ले लो स्पोर्ट्स कार. अच्छा ये एक कार के बारे में बता रहे हैं. क्या नाम है इसका कार का भाई? स्पोर्ट्स कार है ना. नहीं नाम क्या है? जीटी
अच्छा कुछ लोग पूछते हैं डेरिवेटिव का यूज क्या है, क्या असर करा रहे हो, तो आपको ये इस कार में मैं डायग्राम दिखाऊंगा, किसी ने वीडियो में दिखाऊंगा कि कहां इसका यूज है। वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्ड इन द वर्ल्ड इन 2014 इट रीच्ड अ रिकॉर्ड सेटिंग अप ऑफ कितना रिकॉर्ड बनाया था 270.49 mph मेगा पर मील पर आवर मील की मील समझ रहे हो मतलब समझ रहे हो आप मील का मतलब मील किलोमीटर से है ना हमारे किलोमीटर से भी आ गया वो यानी कि अगर 270 किलोमीटर होता तो भी बहुत था मतलब समझा रहा है तो 300 भी क्रॉस कर गया मतलब समझा रहा है तो इतनी स्पीड है इसकी ये कब चेक किया था 2014 में ये जीरो से 200 मील जो चलती है ना ये गाड़ी 14.51 सेकंड्स में हाँ कितना 14.51 सेकंड्स में 51 सेकंड्स ठीक है इट कैन गो फ्रॉम जीरो टू जीरो से 200 मील पर आवर इन दिस द टेक्निक इन दिस चैप्टर वी कैन यूज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन में यूज करेंगे ठीक है कि कैसे निकाला जाएगा इसका एक्सेलरेशन ठीक है हाँ बिल्कुल बट ये 14 सेकंड मतलब कि कितनी डिस्टेंस के लिए है मतलब इतनी वो कर लेता है हाँ स्पीड कर लेता है अपनी स्पीड इतनी एक्सेलरेशन इतनी गेन कर लेता है यस यही होगा हाँ देखो मैं दिखाऊंगा इसमें कि एक मील मतलब एक मील का ही हुआ ना ये एक मील का हुआ एक मील कितने सेकंड में अचीव कर लेता वो 14.51 सेकंड ठीक है कैलकुलेटिंग वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी आर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कैलकुलस कैलकुलस का यूज अगर किसी से पूछा जाता है तो उसको यही बोलना चाहिए कि अगर मैंने क्या कैलकुलेट करना है बोलो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी दोनों ही चेंज इन वेलोसिटी को तो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन इन दोनों में ही किसका यूज है कैलकुलस का है बट इट इज फार मोर वाइड स्प्रेड देन दैट कैलकुलस इज इंपॉर्टेंट इन ऑल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इट इज क्रिटिकल टू एनालिसिस इन बिजनेस एंड हेल्थ एज वेल ठीक है इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर वन ऑफ द मेन टूल ऑफ द कैलकुलस द डेरिवेटिव एंड शो कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव फिर डेरिवेटिव आपको सिखाएंगे कैसे निकालेंगे दीज वुल द वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन दिस चैप्टर ठीक है पहले बताओ डिफाइन किसने किया था लिमिट डिफाइनिंग द लिमिट डिफाइन लिमिट नहीं सॉरी डेरिवेटिव लिमिट तो हो गई कहानी का था डिफाइनिंग द डेरिवेटिव का दूसरा नाम है एंटी को इंटीग्रेशन का नाम है एंटी डेरिवेटिव किसको बोलते हैं इंटीग्रेशन इसका दूसरा नाम क्या है डिफरेंशिएशन हाँ जी बताओ डिफाइनिंग द डेरिवेटिव चलिए बताइए डेफिनेशन इसकी किसने निकाली थी सबसे पहले न्यूटन और लेबनीज़ ने क्या बताया था उन्होंने कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्राफ होता है देखो बेटे एक थे न्यूटन और एक था लेबनीज न्यूटन का पूरा मेथड ही पढ़ोगे उसने कैसे बताया था वो पूरा मेथड ही करा दूंगा बड़ा फास्ट कर देता है वो क्वेश्चन सारे ठीक है देखना उसकी स्पीड से हो जाएंगे मतलब न्यूटन का फॉर्मूला यूज करोगे देखना कितनी जल्दी होता है क्वेश्चन 1643 हाँ है आएगा अभी आगे आएंगे सारे फॉर्मूले 1646 से 1716 में ये लीबनीज ने किया है और ये न्यूटन इन दोनों ने ही अच्छा ये दोनों ही ऐसे हैं इनकी When we credit, पढ़ो जरा यहाँ से पढ़ो When we, पढ़ो यहाँ से When we credit Newton and Leibniz with developing calculus, we are really referring to the fact that Newton and Leibniz were the first to understand the relationship between derivative and the integral. ये दोनों ही थे जिन्होंने derivative और integral में relationship निकाला था. इसके अलावा कोई और relation नहीं निकाला था. इन दोनों ने ही निकाला था. और integral का reverse कौन है? Derivative का reverse कौन है? ये relation किसने find out किया था? Leibniz और Newton ने. आगे बढ़ो. और कैलकुलस का जो मेन काम किया है वो किसने किया न्यूटन ने किया है बस ठीक है तो इतना ही बताऊंगा इन दोनों के बारे में बस और ज्यादा हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ठीक है भाई आगे सर में ये दोनों की पिक आप देख लो है ना फोटो देख ली अब बात करते हैं टेंजेंट लाइंस की ये बड़ा इंपॉर्टेंट है करें चलो टेंजेंट लाइंस दिख रहा है आपको यस सर टेंजेंट लाइंस
मेरी टेंजेंट लाइन तो हम लोगों को पता है टेंजेंट कैसे ड्रॉ होती है, वन पॉइंट पे सर्कल को कर्व को टच करता है। हाँ ध्यान से देखना, बिल्कुल सही बोला आपने। ये कौन सा एक्सिस है? ये क्या कर्व? ये कौन है? टेंजेंट। एक बात ध्यान रखना, आपको देखने में भले लग रहा हो कि इस पॉइंट पे दो तीन टेंजेंट और बन जाएंगी ऐसे, नहीं, नहीं। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी, जूम करके देख लेना। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो, अगर कर्व है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, ये तो कर्व ही नहीं है। पॉइंट क्लियर है? एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, और उस टेंजेंट की हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो बेटे, ये बताओ, वी बिगन आवर स्टडी कैलकुलर यूजिंग द नोशन ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? टेंजेंट। देन वी यूज द स्लोप ऑफ ए सेकंड लाइन टू ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए कॉमा एफ टू एस्टिमेट द रेट ऑफ चेंज और द रेट ऑफ विच वन वेरिएबल चेंज इन रिलेशन टू अनदर वेरिएबल। वी कैन ऑब्टेन द स्लोप ऑफ सेकंड। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं सेकंड का? एक्स के नियर ए एंड ड्राइंग ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए कॉमा एफ ए एंड एक्स कॉमा एफ एक्स, ठीक है, और एज शोन इन द फिगर। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एक सेकंड लाइन का स्लोप निकालो, किसका? सेकंड लाइन का। टेंजेंट का थोड़ा टफ मान लेते हैं लोग, पहले सेकंड का निकाल लेते हैं। चलो भाई ये क्या है? इसके मान लो पैरेलल लेके आए सेकंड, मान लो सेकंड ऐसे जाएगी, इसके पैरेलल है मान लो। अच्छा जी, यहाँ पे एक्स के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? एफ एक्स है ना बच्चे? एक्स के ऊपर वैल्यू क्या? एफ एक्स है। ए के ऊपर बेटे इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ए होगी। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, बिल्कुल सही बोला। अब ये कौन है? वाई। वाई ये कौन है? वाई। ये कौन है? एक्स। एक्स है, ठीक है, लेकिन एक्स नहीं। ये बताता हूँ मैं कौन है। ये है आपका पूरा यहां से आ तक तो एफ एक्स था, ये कौन था यहां से आ तक? एफ ए था। ये एफ ए है, ये एफ एक्स है पूरा, तो ये बताओ कौन? एफ एक्स माइनस एफ ए होगा। एफ एक्स माइनस एफ ए, एफ ए। ये पूरा कितना है? एक्स। एक्स है, ये कितना? ए। एक्स माइनस ए, ये आएगा एक्स माइनस ए, आएगा ना बेटे? हाँ। ये कौन होगा? थीटा। थीटा तो टैन थीटा बताओ। पी अपॉन बी एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो उन्होंने ये निकाला एफ एक्स माइनस एफ ए सीकेंड का अपॉन क्या था? एक्स माइनस ए। ये क्या आया? स्लोप आया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो एम। अच्छा एम से क्यों नोट करते हैं वो बाद में, हमने शायद बताया भी होगा, नहीं बताया, ठीक है। एम किसका आ गया? ये सीकेंड का आ गया। किसका स्लोप आया? सीकेंड का। We can calculate the slope of a secant line to a function at a value a by which the equation and replacing x with a plus h. अब मैं निकालने जा रहा हूँ किसका स्लोप? टेंजेंट का। करें? करें भी? टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। देखो बेटे इधर ध्यान से, कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। y एक्सिस, ये कौन सी? x एक्सिस। x एक्सिस, ये कौन है? कर्व है। ये कौन है बेटे? टेंजेंट। कहाँ पे टच कर रही है? मतलब इस पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट है यहाँ पे टच करके जा रही है, दिख रहा है? दिख रहा है ना आपको क्लियरली, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखता हूं इस तरीके से, देखो ये दिख रहा है क्लियर नहीं, यहां यहां जहां लिख रहा हूं, ठीक है, सही है सब पूरा पेज सही है, चल जाओ बेटा। देखो बेटे अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये हमारी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट के जस्ट पास में एक पॉइंट ले लिया इसने, एक्स माइनस एच। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, नहीं एच, एच एच का गैप, एच का गैप ले लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसने किया है, पहले एफ ए और वो चल रहा था, हाँ तो ये वाले डायग्राम बना देते हैं, इससे ज्यादा समझ आ जाएगा, है ना। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है आपका एक्स और इसके जस्ट पास में कौन होगा? एक्स प्लस एच, मान लो ये कौन है? एक्स प्लस एच। यहाँ पे कौन आएगा? एफ एक्स। एक्स प्लस एच, एच आएगा। अच्छा ये कौन है? एफ एक्स। वेरी नाइस, सही है, उसके पास में लिया ना आपने, सही है। ये कौन होगा? थीटा। कोई गलत किया क्या मैंने? बेटे ये डिस्टेंस बताओ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स यही होगा उसका। ये डिस्टेंस बताओ, एफ एक्स प्लस एच, ना 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 ये तो एक्स है, एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ये एच आएगी। गलत बोला मैंने? कुछ गलत नहीं बोला बेटे, मैंने सब सही चल रहा है, ठीक है, सही दिख रहा है। इसमें भी टेन थीटा निकाल लेंगे। अब बताओ टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने सही बोला। आगे बोलो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, अपॉन में क्या जाएगा? एच आ जाएगा। चलो मैं सही लिखूंगा, देखो ये आएगा लिमिट, लिमिट बाद में लगाएंगे, चलो लिमिट। अच्छा एच मेरा जो है बहुत ही माइन्यूट है, माइन्यूट का मतलब जीरो के आसपास है, तो लिमिट कहां भेजते हैं? एच की जीरो की तरफ भेजते हैं, मैंने बहुत माइन्यूट लिया है।
एफ एक्स प्लस एच अभी आपने निकाला माइनस एफ एक्स, ये तो परपेंडिकुलर था, अपॉन बेस क्या आएगा एच, क्योंकि एक्स प्लस एच वो कट गया है ना, ये ही है हमारा स्लोप किसका टेंजेंट का, किसका टेंजेंट, और टेंजेंट के स्लोप को ही क्या बोलते हैं डीवाई बाय डीएक्स, यानी कि आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना दिया, वो बना है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब चाहे जो कोई कैसे भी ले सकता है इसको, एफ ए ले लेगा कोई कुछ ले लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फार्मूला हमने डेवलप कर दिया आपके सामने, चाहे वो कोई आगे समझ में, चाहे वो कोई भी पॉइंट ले लेगा, अब इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हो आप। हाँ जी ठीक है, चलिए सही है, एफ एक्स ये फार्मूला आपने डेवलप कर दिया है डेरिवेटिव का, ठीक है ये संभाल रहे हैं, इसको संभाल लेना डायरेक्टली को, yes, आगे क्या करो एंड अभी थोड़ा मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, चला कुछ नहीं देखो पढ़ो भाई आगे क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ो रूट एक्स का अगर आप जानते हो, चलो पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो show that fx is equals to under root x and its tangent line at 1,1 is a series of tighter interval about x is equals to 1 as the interval become narrower the graph of the function and its tangent line देखो बेटे fx equal to under root x इसकी बात करते हैं, बेटे डेरिवेटिव का फॉर्मूला मुझे दोबारा से बोल दो एक बार जरा, dy by dx क्या निकाला था हमने, tan theta भी बोलते हैं इसको या फिर इसको स्लोप बोलते हैं टेंजेंट का, और इसको tan theta भी बोलते हैं टेंजेंट का स्लोप, ये आया था हमारा, बोलो भाई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लेकिन एक आपने मिस कर दिया कुछ, मैंने भी लिखा नहीं और आपने बताया नहीं, क्या लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट ना भूलना, लिमिट किधर जा रही होगी, एच टेंड्स टू एच जीरो की तरफ है, तब हमारा ये डिवाइड बाय डीएक्स है, इसमें ज्यादा हमने डीप नहीं जाने की नीड है, सेकेंड को वैसे टेंजेंट में कन्वर्ट किया और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा जी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स है, टेंजेंट लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, 1,1 पे, टेंजेंट लाइन एट 1,1, टेंजेंट लाइन एट 1,1 यहाँ इसकी टेंजेंट लाइन हो, इन अ सीरीज ऑफ टाइटर इंटरवल्स अबाउट x इक्वल टू 1 एज द इंटरवल बिकम नैरोअर द ग्राफ एंड द फंक्शन ऑफ इट टेंजेंट लाइन अपीयर टू कंसाइड, ठीक है कंसाइड कर जाएंगी, मेकिंग एट वैल्यूज द टेंजेंट लाइक ए गुड अप्रोक्सीमेशन टू द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन द चॉइस इज x क्लोज टू 1, इन फैक्ट द ग्राफ ऑफ द fx इटसेल्फ अपीयर्स टू लोकली लीनियर इन द इमीडिएट थ्री सिग्नल x इक्वल टू 1। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, कौन से एक्सेस, वाई एक्सेस, कौन से एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस है, देखो ना वाई है, ठीक है ये बताओ ये कौन है, अंडर रूट एक्स, शाबाश ये अंडर रूट एक्स, सही बोला आपने बिल्कुल राइट एग्जैक्टली, अंडर रूट एक्स प्लस वाला माइनस वाला नीचे, ठीक है ध्यान रखिएगा ये अंडर रूट एक्स है, किस पॉइंट पे टेंजेंट की बात हो रही है, 1,1 पे, वन यही होगा बेटे, 1 पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, और 1,1 का ग्राफ जो टेंजेंट लाइन होगी वो ऐसे जाएगी, और भी ठीक है yes, मैंने कुछ गलत किया क्या, मैं थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब 1,1 यहाँ है, चलो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1,1 यहाँ है, ठीक है इसके ऊपर टेंजेंट लाइन आपको दिख रही है ना भाई yes, ये है। अच्छा जब आप 2 पे पहुंचोगे तो 2 यहाँ है मान लो, 2 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, अंडर रूट 2 यानी 1.4 समथिंग, 1.4 समथिंग है ना, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, टू में क्या लेना है, मैं 1,1 पे टेंजेंट पूछा ना। अच्छा जी ये तो 1 पे ये 2 का गैप था यहाँ, लेकिन यहाँ देखना जरा यही है 1 से, अब मैं गैप थोड़ा कम कर रहा हूं, अब मैं यहाँ कह ले रहा हूँ 1.5, वही गैप उतना ही, अब यहाँ पे कह ले रहा हूँ 1.5 यही है। अब टेंजेंट लाइन देखना, मेरी दिख रही है आपको टेंजेंट लाइन, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस बार, कुछ समझ नहीं आया आपको क्या, जितना आप क्लोज चले जाओगे उतना ही टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, इस फंक्शन के साथ मर्ज हो जाएगी, वैसी ही बन जाएगी, मर्ज हो जाएगी, वैसे फंक्शन इस इंटरवल छोटा सा 1 के जो पास में इंटरवल होगा, जो टेंजेंट लाइन होगी और जो कर्व होगी कोइंसाइड हो जाएगी, पॉइंट क्लियर है तो यहाँ कोइंसाइड कर गई, तो ये अंडर रूट एक्स था और ये उसकी क्या है टेंजेंट है। अच्छा इस लाइन की फिर उन्होंने इक्वेशन निकाली और उनको पता लगा ये कौन सी लाइन है, एक्स प्लस 1/2। अच्छा इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, और जब क्लोज होंगे और क्लोज जाओगे फिर और ज्यादा कंसाइड कर जाएगा, अगर इसको मैं थोड़ा और जूम कर दूं यहाँ पे तो ये दिखेगा कि दोनों ही क्या कर गए कंसाइड, ये कंसाइड ही कर दिया, और जूम कर दे 0.5 और 1 का गैप ले लिया, फिर यहाँ और कम ले लिया, आगे समझ में, तो आगे जाके ये क्या कर जाएगा कंसाइड कर जाएगा, तो जो टेंजेंट है वो अपीयर हो जाएगी कैसी कंसाइड करती है, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ भी चलेगा, निकाल देते हैं स्लोप इसका भी, वही वाला फार्मूला का क्या है, तो डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू बोलो बेटे अंडर रूट, बोलो
एफ एक्स प्लस एच निकालना है, एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एच, लिमिट कहाँ एच टेंड्स टू जीरो, इसकी लिमिट नहीं निकाल पाओगे क्या? कौन सी फॉर्म पहले ये बताओ, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो, हाँ किससे करेंगे? दो फॉर्मूले बताएंगे, एक फैक्टराइजेशन और एक फैक्टराइजेशन और वो रैशनलाइजेशन, बताओ ये करते हैं, हाँ रैशनल ताकि अंडर रूट हो जाए, हाँ चलो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, मैं कर ही देता हूँ सीधे सीधे, आपको पता लग गया होगा मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, अपॉन एच अंडर रूट एक्स प्लस एच, प्लस लिया था ना हमने, प्लस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बताओ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा प्लस एच, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन क्या जाएगा एच अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, दिख रहा है आपको, लिमिट क्या जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, ये दोनों क्या हो जाएंगे एच और एच भी कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या एच जीरो, एच की जगह जीरो पुट कर दो आ जाएगा वन अपॉन, देखो वन अपॉन बोलो टू रूट एक्स, टू रूट एक्स यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, वन अपॉन टू रूट एक्स अंडर रूट एक्स का आ गया सर में, वन अपॉन टू रूट एक्स आ गया, अच्छा वन अपॉन टू रूट एक्स आया, वन पुट करो इसमें, वन के ऊपर टेंजेंट पूछ रहा था, वन अपॉन टू अंडर रूट वन स्लोप अभी निकाला आपने उस पॉइंट, उस पॉइंट पे एम का मतलब उस पॉइंट पे वन कमा वन पे वाई माइनस वाई वन बेटे, वाई माइनस वाई वन क्या आएगा वाई माइनस वन हाफ एक्स माइनस वन, वेरी गुड बेटे, ठीक है ये आ गया y माइनस टू माइनस वन इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू, ठीक है ये उधर भेज दे तो आ जाएगा y माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू हाफ, ठीक है बेटे तो ये ऊपर चला जाएगा जिसको मर्जी भेज दो या उसके इधर भेजो, इसको इधर भेजो y इक्वल टू क्या जाएगा एक्स बाई टू प्लस हाफ, अब आप सोच रहे होगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, मैंने पहले लिख दी थी लाइन की क्वेश्चन, ठीक है तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय टू, तो ये किसकी क्वेश्चन आई टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन आई, और किस फॉर्मूले से आई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस फॉर्मूले से आपने निकाला, तो ऐसे आप किसी का भी आप कर सकते हो, आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ अपनी कॉपी में अभी कर दो या मैं करा देता हूँ, वो है एक्स स्क्वायर और उसका हमने डेरिवेटिव या टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, किस पॉइंट के ऊपर लिखनी है डेरिवेटिव इसका 2x होगा, वो तो वैसे निकाल दिया ऐसे थोड़ा ना, आपको अभी फॉर्मूले आते नहीं है आपने ड्राइव करने, ठीक है आप ये मान के चलो, चलो देखो ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो नहीं आती थी ना पहले, ये तो सिखा देता है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो क्या टेंजेंट की इक्वेशन, किस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू थ्री यही निकालनी है, चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले तो बताओ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है अपवर्ड पैराबोला होता है, थ्री के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है नाइन, थ्री के ऊपर वैल्यू आ रही है नाइन, और इसकी टेंजेंट लाइन तो कुछ ऐसे ही जाएगी ना भाई, अरे सही है ऐसे कुछ आएगी टेंजेंट लाइन, ठीक है इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, फार्मूला क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस, किसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, थ्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है नाइन, वाई माइनस नाइन इक्वल टू स्लोप कितना है, स्लोप निकालना होगा, स्लोप कैसे निकालोगे आप, वही फार्मूला लगेगा कौन सा वाला जिसको आप कहते हैं मैंने नहीं लगाना सर, निकालो डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या एफ एक्स प्लस एच वाला, हाँ वही लगेगा लिमिट एच टैच टू जीरो, फिर क्या आएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस अपॉन एच, चलो भाई इसमें भी वही करना होगा कहानी फिर से पकड़ो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, एच कॉमन ले लो तो बचेगा एच प्लस टू एक्स, लिमिट कहाँ x tends to 0 x tends to 0 x मत बोलो, तो 2x आ गया 2 3 जा 6 आ गया ना 2x, आपको पता लग गया अभी तक आपने फार्मूला नहीं पढ़ा था, ठीक है दिया गया 2, आप ये मान के चलो नहीं पढ़ा है, ठीक है 2 into 3 x minus x1, x1 कितना है 3, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कराता जो मैंने पहले ना कराया प्रूफ ना कराया उसका ना, बिना प्रूफ के नहीं कराते हम कभी भी, 6 into x minus 3 हो गया बेटे, तो इक्वेशन आ गई आपकी कर लोगे आगे y equal to mx plus c वाला फॉर्मूला लगा दो cx 6x minus 18 ये उधर चले माइनस 18 प्लस 9 कितना होता है माइनस 9 तो आ गया 6x प्लस माइनस 9 तो आ गया समझ में, तो आपने इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, चाहे देखो 6x माइनस 9 आया इसका कहां है, अरे इसने खाली लिमिट ही निकाली 6 निकाली हमारी भी 6 ही आएगी, लिखा नहीं इसने टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिखा ना, चलो तो नहीं लिखा इसका हो जाएगा 1 / x का, हां सर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, वेरी गुड, अच्छा अब डेरिवेटिव एक फंक्शन का एक पॉइंट पे, ये तो हमने पहले करा दिया पॉइंट पे तो कराया था, चलो अब डेरिवेटिव को कुछ लोग ऐसे भी नोट कर देते हैं ऐसे एफ डैश लिख के एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया
3x square minus 4x plus 1 तो इसका होगा 6x minus 4 find f dash 2 क्या बात करो minus 4 8 हाँ very good आपने निकाल दिया लेकिन ये वो दूसरे फॉर्मूले से कर रहे हैं नहीं करना उससे चलो भाई ठीक है तो आपका आ जाएगा आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6x आपने सॉल्व कर लिया मान लो मैं डेरिवेटिव आपने निकाल दिया मैं ये मान लिया 6 2 12 minus 4 8 तो आ गया आपका 8 तो कितना इजी था यस सर ठीक है तो आपने यहां से सॉल्व कर लिया इसको भी 6x स्क्वायर माइनस 4 वही था वेलोसिटी एज रेट ऑफ चेंज विद सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हां तो ये प्रूफ है एक्सीलरेशन डबल डिफरेंशिएशन ये मैं नहीं करूंगा यस ठीक है ये समझ आ रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मेरा काम है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंपरेचर ये भी है प्रॉफिट एंड ऑल बस हो गया इसका डेरिवेटिव खत्म हो गया ठीक है हां डेरिवेटिव एज ए फंक्शन ठीक है डेरिवेटिव एज ए फंक्शन